हेलो दोस्तों, आज हम सीखेंगे कॉलर ब्लाउज की कटिंग करना, वो भी बहुत ही आसान और सिंपल तरीके से। तो सबसे पहले कपड़े को हमने ओपन कर लिया है और इसके नीचे की साइड जो हमारी जो किनारा दिया हुआ होता है उसकी हम कटिंग कर देंगे, क्योंकि इसमें थोड़ा सा खिंचाव होता है जिससे हमारे ब्लाउज में परफेक्ट फिटिंग नहीं आ पाती। तो सबसे पहले हम इस कपड़े की लंबाई और चौड़ाई नाप लेंगे। लंबाई मैं रख रही हूँ इसकी 15 इंच और इसमें मैं 1 इंच एक्स्ट्रा रखूँगी मार्जिन के लिए। आप अपने हिसाब से अपनी लंबाई रख सकते हैं। उसके बाद चौड़ाई मैं इसकी ले रही हूँ 36 इंच। तो इसका मैं 9 इंच पर निशान लगाऊंगी, क्योंकि ये चौथाई भाग होगा इसका और ये हमारा आगे का पल्ला होगा, इसलिए मैं इसमें 9 इंच पर और 2 इंच मैं इसका लूजिंग और मार्जिन के साथ इसको फोल्ड कर रही हूँ। फोल्ड करने के बाद ऊपर से हम इसमें मुड्ढे और गले के निशान को लगाएंगे, जिसे हम तीरा भी कहते हैं। तो गले से मुड्ढे की हमने लंबाई जो 6 इंच रखी है और गला हमारा 2.5 इंच पर होगा। नॉर्मल ब्लाउजों में हम 5.5 इंच लेते हैं, लेकिन ये हमारा कॉलर वाला ब्लाउज है। तो गले की हम लंबाई ले रहे हैं 6 इंच और इसके नीचे से हम इसको इस तरह से मिला देंगे और उसके बाद हम इसमें दे देंगे गहराई। ज़्यादा गहराई हमें गैपिंग में नहीं देनी होती है, तो इस तरह से हम 1/2 इंच में इसकी गहराई दे देंगे। अब इसका हम आर्म होल का निशान यानी मुट्ठी का निशान हम लगाएंगे 5.5 इंच पर और इस निशान को भी हम सामने से मिला देंगे। इसमें हमें थोड़ा सा ध्यान देना है दोस्तों, इसमें हमें आगे की साइज 1/2 इंच एक्स्ट्रा रखना है और ऊपर कोने की तरफ हमें इस तरह से मिला देना है, जिससे हमारे जो कंधे से मुड्ढे के आगे का साइज जो खिंचाव आने लगता है, अगर इस तरह से आप बनाएंगे तो आपको खिंचाव नहीं आएगा। अब हम इसमें प्लेट डालेंगे, 9 इंच पर हम डॉट लगाएंगे और 9 इंच से नीचे 1.5 इंच की दूरी पर हम एक सामने की प्लेट डाल देंगे और बाकी प्लेटें हम 2-2 इंच की दूरी पर डालेंगे और नीचे सामने की प्लेट हम 3 इंच की दूरी पर डालकर सारी प्लेटें हम सीधी कर देंगे। ये हमारी प्लेटें बनकर कंप्लीट हो चुकी हैं। अब हम इसमें कटिंग कर देंगे। तो अगर आप वीडियो पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ये हमारा फ्रंट वाला भाग बनकर तैयार हो चुका है। अब हम बैक साइड बनाएंगे। तो बैक साइड बनाने से पहले आपको इसे बहुत ही अच्छे और ध्यान से समझना होगा। इसमें हम पहले ऊपर की साइज 1/1 इंच पर निशान लगाएंगे और इसी निशान को सीधा कर देंगे। आगे की साइड से पीछे का साइड हमें ज़्यादा ध्यान से बनाना होता है, तभी हमारा कॉलर वाला ब्लाउज बहुत ही अच्छी तरह से बन जाता है। तो इसी तरह जैसे हमने आगे की साइड निशान लगाया था 6 इंच पर, उसी तरह हम जो हमारा 1 इंच की लाइन बनाई थी वहाँ हम निशान लगाएंगे और उसके बाद यहाँ पर हम आर्म होल का निशान बना देंगे। आर्म होल पीछे के अकॉर्डिंग आगे हम कोई गहराई नहीं देंगे और यहाँ जो हमारा ऊपर की एक लाइन थी वहाँ पर इस तरह से हम 2.5 इंच का गला बनाएंगे ऊपर की साइड छोटा सा, और इस गले के कोने को हम मुड्ढे के कोने से इस तरह से तिरछा मिला देंगे। तो दोनों हमें इस तरह से बना लेना है और उसके बाद हमें इसकी कटिंग कर देनी है। इस तरह से आप कॉलर ब्लाउज बनाएंगे तो आपका ब्लाउज बहुत ही आसान और बहुत ही अच्छा बनकर तैयार होगा, कोई भी खिंचाव इसमें नहीं होगा। तो अब हम इसकी आस्तीनें बनाएंगे। आस्तीनों के कपड़े को हम 4 परत में रख लिया है हमने और इस तरह से आप चाहें तो छोटी या बड़ी आस्तीनें बना सकते हैं। मैं इसमें फुल साइज की आस्तीनें बना रही हूँ। तो मैं इसकी लंबाई ले रही हूँ टोटल 18 इंच और 2 इंच इसमें मैं मार्जिन ऐड कर रही हूँ। इस तरह से हम इसमें इसकी कटिंग कर लेंगे। उसके बाद मोरी का नीचे निशान लगा लेंगे 4.5 इंच और 2 इंच इसमें मार्जिन। ऊपर की साइज हम 5.5 इंच का हमारा मुड्ढा था, यहाँ 5.5 इंच पर हम इस तरह से डॉट लगाएंगे और 2.5 इंच नीचे की तरफ इस तरह निशान लगाते हुए कोने से हम इसमें एक गोलाई दे देंगे, जिससे हमारी लंबी वाली आस्तीनें अच्छी तरह से निकल आती हैं। फुल वाली आस्तीन हमारी इसी तरह बन जाएंगी। तो अब हम कॉलर बनाएंगे। कॉलर के लिए हमने ये 3.5 इंच की चौड़ाई और 14 इंच की लंबाई का कपड़ा ले लिया है। उसके बाद हम बकरम में 1 इंच की चौड़ाई का बकरम काटेंगे इस तरह से। हम इस तरह छोटे छोटे निशान लगाकर इस लाइन को सीधा कर लेंगे ताकि हमारी लाइन एकदम सीधी और अच्छी बन सके।
इस तरह से इसे हम बना लेंगे और इसकी कटिंग कर देंगे। तो उसके बाद हम इसे फोल्ड करेंगे। तो कॉलर हम बना रहे हैं टोटल 13 इंच का, तो इसमें हम 6.5 इंच का निशान लगाएंगे क्योंकि हमारा बकरम डबल है। यहाँ पर हम एक लाइन बना देंगे और ऊपर की साइड से हम इस तरह से इसमें गोलाई दे देंगे और उसके बाद इसकी हम कटिंग कर देंगे। तो हमारा कॉलर बहुत ही आसान तरीके से सीधा बनकर एकदम तैयार हो चुका है। तो सिलाई की वीडियो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी, तब तक चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। तब तक के लिए बाय दोस्तों।